बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो रेसिपी है हमारी चना दाल अरबी के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल बनाएंगे एंड आपको पता है चने दाल और अरबी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है एंड लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं दोनों चीज़ों को साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर मैं आपको एक रेसिपी, एक वीडियो डाल दूँ। और सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर इंग्रेडिएंट्स। सो फ्रेंड्स, चना दाल अरबी बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये है कि आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, एक से डेढ़ मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से महीन चॉप कर लेनी है। एक से डेढ़ जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, एक से डेढ़ चम्मच, ये देखिए। एंड आपके जो पाउडर्ड मसाले यूज़ होंगे फ्रेंड्स वो ये हैं कि आपको डेढ़ चम्मच हल्दी लेनी है, एक चम्मच चिली पाउडर लेना है, सॉल्ट लेना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और मैंने यहाँ 1 स्पून लिया हुआ है। एंड 2 चम्मच आपको धनिया पाउडर लेना है। एंड रही बात आपकी अरबी की, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अरबी की क्वांटिटी जो है ले सकते हैं जितने आपके घर में मेंबर हों या आप जितने क्वांटिटी में दाल बना रहे हों। सो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं इतनी अरबी ली है, इसको छील के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। एंड फ्रेंड्स, वन मोर इन्ग्रीडियंट जिसको मैं पहले दिखा दूँ आपको, फिर मैं आगे के स्टेप्स करूँगी। तो ये इन्ग्रीडियंट है कि आपको 1 चम्मच के अराउंड गरम मसाला लेना है, ये देख सकते हैं आप। सो नाउ आई विल शो कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो सी फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए आपको चना दाल लेनी है। एंड फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ चना दाल ली हुई है, आप देख सकते हैं। एंड मैंने इसको पूरे 30 मिनट्स तक सोक किया था। सो अब ये 30 मिनट्स हो गए हैं इसको सोक हुए हुए, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको प्रेशर में मैं थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी ताकि ये गल जाए। एंड मैंने इसमें, ये देख सकते हैं आप, पिंच ऑफ हल्दी भी ऐड करी है फॉर द कलर। एंड अब मैं इसको प्रेशर लगाने जा रही हूँ, इसका लिड लगा दूँगी एंड देन आई कुक, और मैं आपको ड्यूरेशन बताऊँगी कि आपको कितनी देर इसको रखना है, कितनी सीटी दिलानी है। सो सी फ्रेंड्स, अब हमने इसको लिड लगा दिया है एंड अब हम इसको प्रेशर में कुक करेंगे। एंड सिंस आपको पता है चना दाल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा गलने में वक्त लेती है, सो फ्रेंड्स इसको हम ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स के लिए इस तरह से प्रेशर में कुक करेंगे एंड इसमें सीटी आने देंगे। एंड रही बात फ्लेम की फ्रेंड्स, तो स्टार्ट में आपका फ्लेम जो है वो तेज़ रहेगा, देन आप उसको ग्रेजुअली मीडियम कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आफ्टर 15 मिनट्स दिखाऊँगी कि वॉट इज़ द कंडीशन ऑफ माई दाल, की गली की नहीं गली, एंड देन आपको मैं आगे प्रोसीड करके बताऊंगी कैसे आपको करना है। सो फ्रेंड्स, मीनवाइल में मैं आपको दिखा दूं, जब तक हमारी दाल पक रही है, कि आपको इसके लिए जो मसाला प्रिपेयर करना है हमारी दाल के लिए, सो आपका फर्स्ट स्टेप उसके लिए ये होगा कि आपको कुकर में, ये देख सकते हैं आप, 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसको हीट कर लेना है। एंड देन उसमें आपको अपने, ये देखिए, चॉप्ड अनियन डाल देने हैं इस तरह से एंड उसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। सो सी फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज थी अब वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एंड अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। देन इसमें हम अपने पाउडर मसाले ऐड करेंगे, ये देखिए, अब इन सबको अच्छे से हम चला लेंगे, ठीक है। एंड हम इसमें थोड़ा सा अपना पानी ऐड करेंगे, ये देखिए। एंड अब हम अपने मसाले जो हैं थोड़े से वो पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे सब, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा तेज फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लीजिएगा। सो सी फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला हमने इसमें डाला था वो सब अच्छे से भून रहा है एंड अब हम इसमें अपना गरम मसाला ऐड करेंगे, ये देखिए, चला लेंगे इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपकी जितनी देर दाल प्रेशर में बनेगी उतनी देर में आप ये प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपका टाइम सेव होगा। एंड अब हम इसमें अरबी ऐड कर रहे हैं, देखिए, इसको हम अलग कुक कर रहे हैं फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि अगर आप इसको चने दाल के साथ कुक करते तो आपकी अरबी ना बहुत सारी गल जाती है बहुत ज़्यादा, तो दाल में वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, वो अलग से पता नहीं चलती एंड यू नो वो अपेरेंस वाइज भी एक वो रहता है एंड बहुत ज़्यादा गली गली लगती है। तो आप इस तरह से उसको अलग कुक करेंगे तब आप डिफरेंस देखेंगे एंड जब बाद में उसको चना दाल में ऐड करेंगे कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, फिर बहुत ज़्यादा गलती नहीं है दाल के साथ। फ्रेंड्स, अब आप इसमें थोड़ा सा अपना पानी डाल देंगे, इस तरह से आप थोड़ा 1-1.5 गिलास पानी इसमें ऐड करिएगा एंड अब हम इसको प्रेशर में कुक करेंगे। सी फ्रेंड्स, इस
तरह से आपको इसको तेज़ फ्लेम पे कुक कर लेना है फ्रेंड्स। तो प्रेशर में आप घुइयों सिर्फ 2 सीटी तक ही कुक करिएगा, जब 2 सीटी आ जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रेशर में हम अपनी अरबी जो है वो 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि उसमें 2 सीटी आ जाए। सो सी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 15 मिनट्स ओवर हो गए हैं एंड हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। सॉरी फॉर द स्टीम, सिंस मैंने अभी इसका लिड हटाया है तो ये बहुत ज़्यादा इससे स्टीम आ रही है। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। सो अब मैं आपको अपने अरबी की कंडीशन दिखा देती हूँ कि हमारी अरबी गली कि नहीं गली। सो एज़ यू कैन सी फ्रेंड्स, हमारी जो अरबी थी वो भी गल चुकी है एंड अब हम आपको दिखाएंगे कि आपको फर्दर क्या करना है कि सिंस हमारी दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो सी फ्रेंड्स, हमारी जो दाल थी जो गल गई थी, अब आप देख सकते हैं हमने उसको अब अपनी अरबी में ट्रांसफ़र कर दी है इस तरह से। ये देखिए सी फ्रेंड्स, तो सी फ्रेंड्स हमारी चना दाल विद अरवी अब समझ लीजिए बिल्कुल रेडी है। सिंस अभी मैंने इसमें दाल ऐड करी है अपनी अरवी में, तो अब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे तेज़ फ्लेम पे, जब तक कि ये थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए प्रॉपरली इसमें। तो 5 मिनट्स तक आप इसको कर लीजिएगा, देन आपकी चना दाल विद अरवी बिल्कुल रेडी है एंड मैं आपको फिर सर्व करके दिखाऊँगी कि हमारी दाल कैसी उतरी। सो फ्रेंड्स, सिंस हमारी जो दाल है मैंने उसको थोड़ा सा उसको हीट करने रख दिया था ताकि वो मिक्सअप हो जाए, तो मीन वाइल में हम आपको दिखा देंगे कि अब हमें अपनी दाल को तड़का लगाना है। सो तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं वन टेबल स्पून के अराउंड आपको ऑयल लेना है, देखिए इतना, एंड देन उसमें आपको अपनी प्याज ऐड करनी है, देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा उसको अच्छे से फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आपको उसमें थोड़ी हींग भी ऐड करनी है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लीजिएगा एंड आपकी प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए, गोल्डन। एंड फ्रेंड्स जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना लग जाएगा तब हम इसमें अपना सूखी लाल मिर्च डालेंगे और उसमें थोड़ा 1 टीस्पून के अराउंड हम ज़ीरा ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, सी फ्रेंड्स ये आपकी क्वांटिटी होगी, अभी मैं इसको अपने तड़के में ऐड करूँगी, देन मैं अपना तड़का आपको दाल में ऐड करके दिखाऊँगी कि आपको कैसे करना है एंड देन हमारी चना दाल विद अरवी रेडी है, बिल्कुल रेडी टू सर्व है। सी फ्रेंड्स, अब हमने अपने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया है एंड वी विल मिक्स इट। हल्का से शैलो इसको फ्राई करना है आपको, देख सकते हैं आप प्याज भी हमारी अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना तड़का ऐड करने जा रहे हैं अपनी दाल में, ये देख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आवर चना दाल इज़ रेडी टू सर्व। सो सी फ्रेंड्स, आवर चना दाल विद अरवी इज़ रेडी टू सर्व एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है अपेयरेंस वाइज एंड इवन द कंसिस्टेंसी। सो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी चना दाल रेसिपी कैसी लगी विद अरवी। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप लविंग माई वीडियोस, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड शेयर माई वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।